तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल पे आपने जो देखा वो बात बिल्कुल सच है। रेडमी मतलब शाओमी ने धोखा दिया है। रेडमी नोट 10 सीरीज़ जो अभी लॉन्च हुई थी, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी थी, उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दिया गया, मतलब 500 रुपये उसके दोनों वेरियंट पर बढ़ गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया शाओमी? आखिर वजह क्या है? क्या प्राइस कम होगी या नहीं? क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए अब या नहीं? वो बिल्कुल सब आपके जितने भी कर हैं वो सब आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि जो मार्च 4 को लॉन्च हुआ था रेडमी नोट 10 सीरीज़, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी थी। मैंने भी उसकी अनबॉक्सिंग बनाई। अगर आपने नहीं देखा रेडमी नोट 10 सीरीज़ की अनबॉक्सिंग तो आई बटन में लिंक है, जाके पहले आप वहाँ से देख लीजिएगा। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी थी और मैं भी सभी लोग को ये रिकमेंड कर रहा था कि 12,000 में रेडमी नोट 10 सीरीज़ में जो भी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी कमाल की, कोई दूसरी कंपनी नहीं देती है, और बिल्कुल सही था। बट अब अगर आप जाके देखेंगे अमेजोन पे और या रेडमी, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, ऑफिशियल जो मी स्टोर जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मी की जो वेबसाइट है, उस पर भी देखिएगा तो इसके जो 4GB वेरियंट पे 500 रुपये, मतलब 12,500 हो गया है, और जो इसका 6GB वाला वेरियंट है उस पर आपको 14,500 रुपया हो गया। मतलब कि 500 रुपया इन्होंने बिना बोले हुए, बिना कहीं कंफर्मेशन के बढ़ा दिए हैं। ट्विटर पे काफ़ी लोग ट्वीट किया गया, काफ़ी बवाल मचा, आखिर ऐसा क्यों किया गया है? इसका कोई अभी तक जवाब मनु कुमार जैन नहीं दिए हैं, जो आपको रेडमी और शाओमी के जो CEO हैं। तो बट अगर ज़्यादा अगर दबाव पड़ा गया तो फिर वही बात होगा जैसा हाल आपको रेडमी नोट 8 के साथ में हुआ था, वही जवाब यहाँ पर मिला, क्योंकि उसकी भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था। तो उसमें भी यही मतलब आया था कि कोविड के कारण, बात समझ लीजिए आखिर क्यों ऐसा हुआ। ये हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम ये बात सच है, और ये बात सच हो भी सकता है और इसकी प्राइस और ज़्यादा ही बढ़ सकती है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे जो सामान जो आ रही है ट्रांसपोर्ट से वो नहीं आ पा रही है। बहुत सारे वर्कर जो काम कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता आपको है कि जब मार्च में जब इंडिया में कोविड नहीं था उस टाइम सही प्राइस पे ये लॉन्च हो गए थे, ऑनेस्ट प्राइस में इन्होंने लॉन्च किया था। बट अभी कोविड बढ़, मतलब कोविड बहुत ज़्यादा केस इंडिया में हो चुके हैं, जिसके कारण से बहुत सारे वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे सामान नहीं आ रहे हैं, चिप भी बहुत शॉर्टेज हो चुका है, काफ़ी महंगा मतलब कि आपको देखने को मिल रहा है, तो सब चीज़ की प्राइस बढ़ जा रही है, और स्टोरेज भी कम हो चुका है, तो शॉर्टेज जो है यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है और डिमांड ज़्यादा है। उसको देखते हुए 500 रुपये इंक्रीज़ करते हैं, जिससे प्रॉफिट भी मेंटेन हो जाए और ज़्यादा लोग मतलब ले नहीं पाए, ऐसी इनकी जो मार्केटिंग जो सिस्टम है। बट अगर आपका सवाल अगर आता है कि क्यों भाई सिर्फ आखिर रेडमी नोट 10 का ही प्राइस बढ़ाया गया है, नोट 10 प्रो का नहीं, नोट 10 प्रो मैक्स का नहीं, तो दोस्तों जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है उसी की प्राइस बढ़ाई जाती है, ये हमेशा की बात है। तो अब आते हैं बात कि आपको ये लेना चाहिए नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी भी लेना है तो अभी भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 500 बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने अनबॉक्सिंग किया था ऑफलाइन, 12,200 का मुझे पड़ा था, तो ये 12,500 ऑफलाइन मिल रहा था। तो अगर आपको ऑफलाइन समझ के ही ऑनलाइन आप इसे ले लीजिएगा, क्योंकि इससे और ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाली है। अगर इंडिया की सिचुएशन अभी जो कोविड की जो है वो सिचुएशन अगर आप सही नहीं हो पाई, अगर और कोविड मतलब कि खतरा ऐसा ना हो, बट अगर और कोविड का केस बढ़ जाएगा तो मे बी इसकी प्राइस 1,000-1,500 रुपये और बढ़ सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको लेना तो अभी जाके आप ले सकते हैं, और जो वजह जो कारण था यही था। बट ये गलत किया शाओमी, बिना बोले बढ़ा दिया कि अगर ऐसी करेगी तो सभी कंपनी बढ़ाएगी, और सभी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस को बढ़ा देगी। आप माइक्रोमैक्स को देखिए, माइक्रोमैक्स ने भी 1,000 रुपया मतलब 500 रुपया अपने यूनिट पर बढ़ा दिया है। तो इस तरह से सभी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगी, ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि कोई अपने घर से पैसा नहीं देगा, जो भी ये प्रॉफिट कस्टमर से ही लोग बटोरेंगे। तो प्लीज़ आप इस बात को समझ लीजिए, और अब कमेंट करके आप बताइए शाओमी ने जो किया वो सही किया या नहीं किया, क्या उसको करना चाहिए नहीं, क्या इससे आप खुश हैं या नहीं है, वो सब नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई तरह का सवाल या सुझाव तो वो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए। और दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।